इस वीडियो में मालिश कराता जो शख्स आपको दिख रहा है वो है फुलवारी शरीफ के एएसपी मनीष कुमार, जो ना सिर्फ सिपाहियों से मालिश करवाते हैं बल्कि वो तो इनसे अपने कपड़े तक धुलवाते हैं। चौंकिए मत, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये इल्जाम तो इन पर 10 पुलिस कर्मियों ने लगाया है। अब मामला क्या है, आरोप क्या है, तर्क क्या दिया जा रहा है, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, हमारा नाम है समवीन और आपने देखना शुरू कर दिया है एबीपी बिहार। दरअसल पटना के फुलवारी शरीफ एएसपी मनीष कुमार सिन्हा का सिपाहियों से बॉडी मसाज कराता ये वीडियो कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एएसपी साहब पर सिपाहियों का आरोप है कि एएसपी साहब उन लोगों से हाथ पैर दबवाते हैं, अपने कपड़े भी धुलवाते हैं, शरीर पर तेल से मालिश भी करवाते हैं और जब लोग ये सब करने से मना करते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाती है, सस्पेंड करने की धमकी भी दी जाती है। और अब इससे परेशान होकर सिपाहियों ने पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो को लेटर लिखकर पूरे मामले की शिकायत की है। 6 पुरुष और 4 महिला सिपाहियों की तरफ से ये शिकायत की गई है। हालांकि फिलहाल सिर्फ 7 पुलिसकर्मियों के सिग्नेचर ही शिकायत पत्र पर है, लेकिन शिकायत पत्र में फुलवारी एएसपी मनीष कुमार का नाम नहीं लिया गया है। फुलवारी शरीफ के सिपाहियों ने शिकायत में लिखा है कि एएसपी के सामान्य कृत से वो काफी तंग आ गए हैं। 1-2 पुलिसकर्मी डिप्रेशन का शिकार भी हो चुके हैं, इसके कारण कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घटे तो हो सकती है। जब मामला इतना गर्मा गया तो हमने भी सोचा कि क्यों ना इस मामले की तह तक जाया जाए और सच्चाई जानने की कोशिश की जाए। इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए जब हमने पटना एसएसपी को कॉल और एसएमएस किया तो उन्होंने कई चौंका देने वाले खुलासे किए। उन्होंने जवाब में बताया कि हाथ पैर दबवाने का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो 2 महीने पुराना है। जैसे ही ये वीडियो मिला इसकी जांच कराई जा रही है। जिन सिपाहियों ने लिखित शिकायत की थी उनका स्टेटमेंट दर्ज करा दिया गया है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट बिहार पुलिस मुख्यालय को भी भेज दी गई है। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने ये भी कहा कि फुलवारी एएसपी ने आरोपों को झूठा और निराधार बताया है, साथ ही जांच में सहयोग भी किया है, यानी कि जांच चल रही है। तो सच जानने के लिए हमें और आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा एबीपी बिहार। बहुत शुक्रिया।